गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको बताया कि हमारे जेई मेन्स 2024 स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हम आपके लेके आए हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पेपर है ये मेमोरी बेस्ड है और जो कि 27 जैन को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो जैसे आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जो मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट है इससे देख के मेरे दिमाग में क्या आया कि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। इसका ये डी ब्लॉक से क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, वो होता है हमारा म्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, राइट। अब यहां पे हमने देखा कि जो एन है, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब है बच्चे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड जो मैग्नेटिक मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपको मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एन से, ठीक है। तो हम फॉर्मूले के बेसिस पे बोल सकते हैं कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मतलब अगर मुझे ये पता चल जाए कि डी थ्री डी सिक्स डी सेवन में किसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वही उसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हमें पता है कि जो डी हमारी सबशेल होती है उसके अंदर फाइव ऑर्बिटल्स आती हैं, ठीक है, जिनके नाम होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू हंस रूल, जब हम डी थ्री में फिल करेंगे तो पहले तीनों एक एक जाएगा, इसका मतलब इसके पास थ्री अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब हम डी सिक्स में जाएंगे तो फोर फाइव और सिक्स, तो इसके पास हमें क्या दिखाई दे रहा है, फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। जब हम डी सेवन में जाएंगे तो हम एक और इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे तो हमारे पास तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, मेरे पास ऑप्शन बी में। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। नाउ अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन कंबशन। तो अब यहां पे इसका मतलब दो तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मीथेन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। देन कंबशन की आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं आती तो आप क्वेश्चन करना छोड़ दो, नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर क्योंकि इसमें उन्होंने मास पूछा गया है, तो अब ये आपका दो जगह से बिलोंग करेगा, एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जहां से आपको मीथेन का फॉर्मूला पता चलेगा, राइट। कंबशन जो रिएक्शन है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, और जो उसने पूछा है मास ऑफ मीथेन इन 22 ग्राम्स, ये आपका आगे स्टोशियोमेट्री चैप्टर 1 मोल कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाएंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस हीट। अब जो हीट वाला फैक्टर है ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स में छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जो कि हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट में आया था, ठीक है, 27th की। अब इसमें क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि द मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन कंबशन। तो यहां पे मुझे क्या क्या पता चला, यहां पे मुझे पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट से बिलोंग करता है। दूसरा ये आपका हाइड्रोकार्बन से भी वहां पे रिएक्शन आता है आपका कंबशन का। तीसरा थर्मो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ये तीन टॉपिक से बिलोंग करता है, राइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वही बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। मीथेन का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, CH4, ठीक है, प्लस कंबशन करेंगे तो ऑक्सीजन, रिएक्ट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस प्रोड्यूस अ हीट, ठीक है। नाउ जब इसको बैलेंस करेंगे तो कार्बन हमारे पास 1 है, 1 हाइड्रोजन यहां पे कितने, 4, तो क्या करेंगे यहां पे 2 लगा देंगे, राइट। अब ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हमारे पास बच्चे, यहां पे 2 है, यहां पे 2 और 2 वन जा 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। इसका मतलब यहां पे अगर मैं 2 पुट करता हूं तो मेरे पास 4 हाइड्रोजन हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये जो इक्वेशन मेरी बैलेंस्ड हो गई, अब ये मेरे को काफी इंफॉर्मेशन बता रही है, जैसे कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, राइट। ये मेरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी इसके अंदर जो स्टैंडर्ड है। नाउ दूसरा मास की टर्म में भी हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास मास गिवन है ग्राम्स में, तो उससे क्या होगा मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे मीथेन का मोलर मास कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 16 ग्राम्स, और ये आपका हो जाएगा 2 × 32 ग्राम्स, और इसका हो जाएगा आपका 44 ग्राम्स, एंड वाटर का मास हो जाएगा 2 × 18 ग्राम्स, ठीक है। ये डेटा भी आपका क्या हो गया, पूरा स्टैंडर्ड हो गया। नाउ अब आपसे पूछा क्या है,
कि कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम प्रोड्यूस हो रही है, तो पूछा है कि ये कितना चाहिए। लेट द मास ऑफ मीथेन बी एक्स, लेट द मास ऑफ मीथेन बी एक्स, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, बस इनको रेशो ले लेंगे, हम इसको और इसको डिवाइड करके रेशो बन जाएगा हमारे पास। हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, 16 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 44 अपॉन 22, ठीक है। इसको इस तरह से आप डालेंगे और सॉल्व कर दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि लगभग अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा, x इक्वल्स टू 16 इंटू 32 अपॉन सॉरी 22 अपोलोजीज 22 ठीक है अपॉन 4, तो इसका आंसर आएगा लगभग 8। कितना आंसर आएगा बच्चे इसका, द राइट आंसर इज 8। तो कितना आएगा बच्चे, 8 ग्राम्स इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया आपको यहां तक। नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन आया था, ये कहता है द सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, एनायन के ऊपर पूछा है इसमें आपसे। अब यहां पे इन्होंने बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से बिलोंग कर रहा है, ठीक है बच्चे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से है क्योंकि वहीं पर हमने क्या पढ़ा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी हुई है हमने, ठीक है, जिसमें हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आता है। तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ एंड द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आनी चाहिए। अगर आपको वो आती होगी तभी आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो कॉन्फिगरेशन है, अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, तो हम कौन सी वाली कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन वाली। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे। तो उसकी कॉन्फिगरेशन हमारे पास आ जाएगी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py सिग्मा सॉरी पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। जो सिग्मा 2pz आएगा एंटी बॉन्डिंग, उसको जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि जो मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे पास, 6 कार्बन के हो गए एंड 8 हो गए हमारे पास ऑक्सीजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सिमिलरली NO2 में भी 7 हमारे पास नाइट्रोजन के हैं प्लस 8 हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा हुआ है, इसलिए हमारे पास टोटल यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका इट मींस कि यहाँ पे इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल करे 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 14, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, राइट। तो नाउ अब हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास, 2 4 ओनली 4, एंड बॉन्डिंग कितने होंगे हमारे पास, 10। तो इसलिए मेरा बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चा, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जाएगा हमारा हाफ इंटू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6/2, डेट इज 3। तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3, नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 इसका टाइन का, तो 3 प्लस 3 6, तो राइट आंसर कितना होगा बच्चा हमारा इसका, 6। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा किसे था 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर से, रॉल्स लॉ, ठीक है। अब रॉल्स लॉ सबको पता है क्या कहता है, क्या कहता है बच्चे, ये कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर यहां पे आपसे पूछा नेगेटिव डेविएशन, अब नेगेटिव मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन में जो आपका प्रेशर था वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, और जब आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कुकर की यूज करते हैं ताकि कुकिंग जल्दी हो जाए, है ना, नहीं तो क्या खाना पकने में टाइम लगाएगा। उसी तरह से प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जल्दी बॉइलिंग हो जाएगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अचीव हो गया, और जब प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग होने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा, राइट। तो इसलिए यहां पे आंसर देखो कौन सा है आपका, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं होगा आपका, तो कौन सा होगा बच्चे, ऑप्शन डी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी और क्वेश्चंस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको हमने पूरा पेपर दे रखा है, ठीक है, सॉल्यूशंस है, और बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को समझने के लिए आप हमें फॉलो करें और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।